इस सिरप का उपयोग छोटे बच्चों में किया जाता है। जैसे कि अगर छोटे बच्चों को दस्त की समस्या रहती है तो उसमें इस सिरप का उपयोग किया जाता है। छोटे बच्चों में डाइजेशन से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा ये सिरप बच्चों को पिलाने के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं और बच्चों में क्या दिक्कत, क्या समस्या रहती है, या फिर बच्चों में किस प्रकार की रोग, किस प्रकार की समस्या रहती है तब डॉक्टर के द्वारा ये सिरप दिया जाता है। इस सिरप का डोज क्या होता है, इस सिरप का साइड इफेक्ट क्या होता है, ये सिरप कितने ml पिलाना होता है, कितने साल बच्चे को कितना ml पिलाना होता है, कितना ml डॉक्टर के द्वारा पिलाने के लिए बताया जाता है, इसके बारे में आज हम आपको पूरा डिटेल से हिंदी में जानकारी देंगे। जैसे कि छोटे बच्चों में इनडाइजेशन या फिर अपच की समस्या रहती है तब इस समस्या को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा ये सिरप बच्चों को पिलाने के लिए दिया जाता है। और जैसे कि इस सिरप का उपयोग बच्चों में, छोटे बच्चों में लूज मोशन की समस्या रहती है तब डॉक्टर के द्वारा ये जो सिरप है बच्चों को पिलाने के लिए दिया जाता है। जब बच्चों को लूज मोशन की समस्या रहती है तब उनमें ये काफ़ी अच्छा काम करता है, यानी जो लूज मोशन की समस्या रहती है उसे ये ठीक करने का काम करता है ये सिरप। और जैसे कि बच्चों में आपने देखा होगा कि पतला पतला सा दस्त, 2 मिनट 3 मिनट 5 5 मिनट पे लगातार बच्चों को पतली दस्त की समस्या रहती है, तो उस दस्त को भी ये ठीक करने का काम करता है। ये सिरप काफ़ी अच्छा सिरप होता है, ये सिरप बच्चों में काफ़ी ज़्यादा प्रेस्क्राइब किया जाता है इस समस्या को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा। और जैसे कि बच्चों को भूख कम लगता है तो उनकी जो भूख की क्षमता है उसे बढ़ाने का काम करता है ये सिरप, यानी एक प्रकार से ये सिरप छोटे बच्चों में भूख बढ़ाने का भी काम करता है। छोटे बच्चों में मेटाबॉलिज्म की जो समस्या रहती है उसे ये प्रॉपर ठीक करने का काम करता है। मेटाबॉलिज्म एक ऐसी समस्या है जो भोजन को ऊर्जा में बदलने का काम करता है। इस सिरप से मेटाबॉलिज्म नॉर्मल हो जाता है। ये सिरप काफ़ी अच्छा सिरप होता है, ये सिरप डॉक्टर के द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं इस सिरप में क्या साल्ट होता है, यानी क्या कंपोजिशन होता है। जैसे कि जो इस सिरप में साल्ट होता है, लैक्टिक एसिड बिसेलस विथ विटामिन एंड जिंक एंड ओरल सस्पेंशन, जो इस सिरप का साल्ट होता है। ये सिरप छोटे बच्चों में काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर के द्वारा इन सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए, यानी छोटे बच्चों को पिलाने के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। और जैसे कि अगर छोटे बच्चे जो रहते हैं उनके शरीर में विटामिन्स की कमी रहती है तो ये जो सिरप है विटामिन्स की कमी की मात्रा को पूरा करने का काम करता है। और जैसे कि जब बच्चों के पेट में दस्त की समस्या होती है तो उसमें क्या होता है कि उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, वीकनेस हो जाती है, तो उस समस्या में भी डॉक्टर के द्वारा ये सिरप काफ़ी ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है। इन सारी समस्याओं को ये सिरप जड़ से ठीक करने का काम करता है। ये सिरप काफ़ी अच्छा सिरप होता है। और जैसे कि जब बच्चों के दस्त की समस्या होती है तो उसमें उनके पेट में दर्द की समस्या रहती है तो उस दर्द को भी ये सिरप ठीक करने का काम करता है। इन सारी समस्याओं में इस सिरप का उपयोग किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। जब बच्चे को इन सारी समस्या रहती है तो पिलाने के लिए दिया जाता है। चलिए अब हम आपको इस सिरप के डोज के बारे में बताते हैं, डॉक्टर के द्वारा इस सिरप का कैसे डोज कैलकुलेट करके बच्चों को पिलाने के लिए बताया जाता है। जैसे कि जो सिरप का डोज होता है ये डॉक्टर बच्चे की दिक्कत, उसकी समस्या, उसकी एज, उसकी बॉडी वेट, उसकी दिक्कत समस्याओं को देखते हुए इस दवा का डोज निर्धारित करके पिलाने के लिए बताते हैं। लेकिन अगर बच्चा 1 साल से लेकर 2.5 साल के बीच में है तब डॉक्टर के द्वारा ये जो सिरप है 2.5 से 3 ml पिलाने के लिए बताया जाता है। और अगर बच्चा 3 साल से लेकर 5 साल के बीच में होता है तब डॉक्टर के द्वारा 4.5 या फिर 5 ml पिलाने के लिए बताया जाता है। ये सिरप काफ़ी अच्छा सिरप होता है, डॉक्टर के द्वारा इन सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए ये सिरप प्रेस्क्राइब किया जाता है। ये सिरप के अब हम चलिए इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताते हैं, इस सिरप का क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होता है। जैसे कि जो इस सिरप का साइड इफ़ेक्ट देखा गया है, बच्चों में चिड़चिड़ापन की समस्या हो सकती है, एक प्रकार से उनको नींद की प्रॉब्लम आ सकती है, बहुत ज़्यादा उनको नींद की समस्या भी आ सकती है, उनको ईचिंग हो सकता है, खुजली हो सकती है, चकत्थे पड़ सकते हैं उनके बच्चों के स्किन पर। इसके सिवा और भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। इसके अलावा यदि आपके बच्चे को और कोई दिक्कत और कोई समस्या है तो एक बार अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से आप अपने बच्चे की दिक्कत परेशानी बताएं, उसके बाद में कोई भी सिरप कोई भी मेडिसिन बच्चे को दें। कभी भी आप अपने बच्चे को कोई भी सिरप कोई भी मेडिसिन खुद से उपयोग ना करें, ना यानी बच्चे को ना पिलाएं। अगर बच्चे को कोई दिक्कत कोई समस्या है तो आप अपने बच्चे को डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास लेके जाएं, प्रॉपर उसकी दिक्कत परेशानी बताएं, उसके बाद में उसे जो डॉक्टर दवा देता है वो दवा पिलाएं।